चलन किस तरह से व्यवहार करें लेने देने का। तो फकीर साहब बोले कि जो तुम पैदा करते हो उसी से अपना चलन खोल दो, चना है, मटर है, गेहूँ है, धान है, जो कुछ भी है, जो बरसात में हो, जो जाड़े में जो फसल होती है उससे अपना व्यवहार करो। तो करने लगे तो बादशाह ने सोचा कि रियायत तो बड़े आराम से रहती है। तो फकीर साहब ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं इसका इलाज किए देता हूँ, वो तुम्हारा खजाने से धन वापस कर देगा जो उसने लिया है। एक वक्त वो सो रहा था अपने महल में, तो एक तो स्वप्न हुआ कि उठ का खड़ा तो हो जाओ उठ करके, तो देख रहा स्वप्न, जब वो उठ के बैठा और आँख खुली तो देखा एक काला आदमी, एक काला बिल्कुल एकदम से काला, तो डर गया, ऐसे कांपने लगा उसको देख करके। तो उसमें से आवाज़ आई कि तूने रियाया को बहुत तंग किया और रियाया परेशान होती है और हमारे पास आकर के चिल्लाती है, तो एकदम से काम कर रही, अब उसको तकलीफ नहीं होगी। जब गायब हो गया, वो गायब हो गए, गायब हो गए, तो उन्होंने अपने अधिकारियों को बुलाया, कहा कि देखो भाई जितना भी धन तुमने इकट्ठा किया है सब प्रजा में बांट दो, प्रजा को दे दो ताकि चलन हो उसका। हमारी तो मौत हो गई, हम तो मौत के घाट पर पहुंच गए, तो हमारा क्या रहेगा, फिर हम क्या करेंगे, क्या प्रजा रहेगी, क्या धन रहेगा। उसको जागृति आ गई, इतना कांपने लगा और काम करके डर करके अधिकारियों को बुला करके हुक्म दे दिया, बढ़ गया धन, प्रजा जो है सबकी सब अपनी सुखी हो गई, क्योंकि एक एक पैसा खींच लिया उसने। तो फिर उसके बाद में महल में सो रहा था, तो उसको आवाज़ आई कि अरे बेकूफ, तूने जाना कि मैं मरने जा रहा हूँ और ये मेरा क्या होगा, तो तू क्यों नहीं इसको सोचता। आवाज़ आई तो उठ के बैठ गया, तो देखा आवाज़ कहाँ से आ रही, तो किसी को देखा नहीं, बैठा हुआ और इधर उधर सुन रहा। फिर आवाज़ आई, अरे बेकूफ क्या तू बादशाह है, किस बात का, अरे भाई इसलिए आया उस बादशाह पर चल, ये जिस मिला फिर मिलेगा नहीं, ये जा रहा। तो सोचा उसने कि अरे कहाँ से आवाज़ आ रही, अब उसको ये लगन लगी कि ये किससे सुनने को मिलेगा। तो मौलवी के पास गया, मुल्लाओं के पास गया, उस समय के मुल्ला मौलवी, उनसे पूछा कि भाई हम तो ये जानते नहीं। कह लगे फकीर साहब कभी कभी आया करते हैं, इधर से इधर जाते हैं, इधर से इधर, कभी कभी, अगर वो कभी तो आप उनकी तलाश कीजिए, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो उसने उनको बहुत खोजा, लेकिन बहुत दिन हो गए, 6 महीने निकल गए, मिले ही नहीं। 6 महीने के बाद उनको मिले तो बहुत हंसे, कह लगे अरे अरे बेकूफ तू बहुत दिन के बाद आया, अभी तक कहाँ रहा। अब उन्होंने वो बात याद दिलाई कि हमने तो तुझको आवाज़ दी थी और तू खोज रहा था, तुझने तो कहाँ खोजता रहा। कह लगे अरे हम फकीरों को पहचानते, यही तो है थी। अब वो क्या करते हैं फकीर लोग, इस तरह से बदल देते हैं। अब ये जो है ये तो कोई चिल्लाता नहीं है, ये तो उसी में लगे हुए हैं अपनी ग्रंथि व मंत्र में, और उससे कुछ निकलने वाला है नहीं है। ये नहीं कि भाई फकीर किसी महात्मा की खोज करें जो आपको अपने को सीधा रास्ता मिले, वो नहीं, इसमें फंसे हुए, इसमें लोग खोजते रहते और फंसते चले जाते, तो सब के सब रो रहे, कोई भी किसी जगह चैन से नहीं है, और ये बिना महात्माओं के चैन मिलेगा नहीं। वो जब मिलेंगे फकीर महात्मा तभी कुछ होगा।
एक बात आपको ये समझा दें कि जो भी बाहर से दुकानें ले आते हैं लगाते हैं, उनको सड़क पे लगाना चाहिए। अब जहाँ डेरा है वहाँ आप डेरे के अंदर लगाओगे, जहाँ गली है चलने फिरने का रास्ता नहीं वहाँ लगाया तो आने जाने का रास्ता बंद, और फिर वहाँ दुकान लगाने का अर्थ क्या है? वो तो रहने की जगह है, वो तो वहाँ रहने की जगह, वहाँ दुकान क्या जरूरत है? सड़क पर लगाइए। जैसे हमारे अंदर आश्रम में बहुत लोगों ने अंदर दुकान लगा ली, तो वहाँ दुकान लगाने की जगह कहाँ? वहाँ सामान चला गया तो इन दुकानदारों से पूछो कि आपने ले लिया? आपको तो दुकान सड़क पर लगाना, सड़क पर लगाइए, वहाँ घर के अंदर दुकान लगाई जाएगी। ये मतलब ये अनसमझ का काम धांधली का, और पीछे कुछ कहते तो ऐसा कुछ कहते हो। इसलिए कोई भी हो, माला बेचे, प्रसाद बेचे, सामान बेचे, और कुछ बेचे, और भी कुछ है कपड़े, सब दुकान पर लगाओ, और दुकान सड़क के किनारे आप वहाँ लगाइए। अंदर क्या, घर के अंदर दुकान खोल दोगे? जहाँ लोग रहते हैं टेंटों में उनका, उसके अंदर खोलोगे जा करके? ये तो आपको खुद सोचना चाहिए कि दुकान कहाँ लगती, सड़क पर लगती। सड़क पर आमर दरअसल की होती है, जिसको जो सामान लेना होगा सड़क पर ले लेगा, घर के अंदर तो दुकान रहती नहीं, अब वो कुछ नहीं है। तो इसलिए फिर ये चोरी वगैरह होती है, इसी वजह से होती है, और कोई कारण नहीं होता। तो इसलिए दुकान लगाओ सड़क पर, अंदर नहीं। इनसे कह दो अगर दुकान नहीं उठाओगे, सब सामान तुम्हारा रख लेंगे, और जब ये सब खत्म हो जाएगा तब ये सामान ले जाना, बस इतना ही कहना है। जब न माने तो सामान उठा के तब डर लो, और ये रखा रहेगा, अब आप जाइए सब, और उसके बाद सामान आपको मिल जाएगा। ये दुकान अंदर नहीं लगाना, सड़क पर लगाओ। आप किसी चीज़ को भी नहीं समझना चाहते हो और न करना चाहते हो तो खुद अपनी व्यवस्था बिगाड़ोगे। बोलो जय गुरुदेव। जब यहाँ अंधेरे में आया करो तो आते ही बस जैसे ही बैठे भजन करने लगे। आपको खाली ऐसे नहीं बैठना, आप अपने भजन ध्यान पर बैठ जाइए तो जितना समय आपका उतना तो आपको मिल गया समय, उसमें भजन और ध्यान कर लीजिए। जब तक आए फिर सत्संग सुनने लगे, सब काम अपने एक साथ। अब बैठे हुए बात कर रहे, बात करने से क्या मतलब? स्थान पर आए हो सत्संग के तो वहाँ भजन ध्यान पर बैठ जाओ, कोई सुमरन पर बैठ जाए, अपना यहाँ पूरा कर ले आकर। आप घंटे डेढ़ घंटे दो घंटे आप बैठे रहते हो और उसमें कुछ नहीं करते हो, समय तो खराब हो गया। किस लिए बैठे हो? समय काम में लो, तो भजन ध्यान करो, जो वह नहीं कर सकते यहाँ करो। आप कुछ नहीं, हम देखते हैं आकर के कि बस ऐसे ही बैठे हुए और कुछ नहीं है। अरे भाई जब आएंगे कि तुम भजन ध्यान स्मरण में बैठे हो तो जो आएगा बैठता चला जाएगा कि भाई ये कर रहे हैं चलो हम भी करेंगे। ये होना चाहिए, जहाँ कहीं भी सत्संग में जाओ अस्थान पहले से पहुँच गए तो भजन बैठ जाओ, स्मरण में बैठ जाओ, ध्यान में बैठ जाओ। किसी को क्या मालूम ऐसे बैठ गए आप, अपनी आँख बंद कर ली तो क्या कर रहे हैं? किसी को क्या मालूम, चुपचाप बैठे रहो, वो जब देखेगा तो बैठ से बैठ जाएगा। ये काम करना चाहिए। जब पहले से आकर के जगह घेर ली है तो जगह घेरने का मतलब है तुमको भजन करना। ऐसे बैठ गया करके और कुछ नहीं, समय खराब कर दिया। बोलो प्रार्थना बोलो।